नमस्ते दोस्तों, जैसा कि अभी हम ऋषिकेश में हैं, आपने हमारे लास्ट और व्लॉग्स देखे होंगे, तो आज अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हम आए हैं भूतनाथ टेम्पल। अभी हम यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने वाले हैं, तो ऊपर यहाँ पे भूतनाथ टेम्पल है। कहा ऐसा जाता है कि जब शिव जी की बारात आई थी तो पहले वो यहाँ रुकी थी, तो वो अपनी भूतों की टोली के साथ यहाँ पर आए थे, तो जो भी उनके बराती थे वो यहाँ रुके थे। तो उससे पहले जब हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेन एंट्रेंस है और एंट्रेंस पे ऐसे शिव जी की शिवलिंग रखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस पर दर्शन करिए और फिर चढ़ाई के बाद हम आपको यहाँ का भूतनाथ टेम्पल दिखाएंगे। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये वो मंदिर है जहाँ पे हमें चढ़ाई करके जाना है। तो अभी देखते हैं कितना ऊपर है ये, फिर वहाँ पहुँच के दर्शन कराते हैं आपको। हर हर महादेव दोस्तों। तो हम लोग आए हैं भूतनाथ मंदिर, और जैसा आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये एक मंदिर में आने का एक रास्ता है जो कि एक स्लोप है। आप इस पे धीरे धीरे चढ़ के ऊपर आ सकते हैं मंदिर की तरफ। और मेरे राइट हैंड साइड पे ये स्टेयर्स हैं, एक रास्ता ये है, इसके थ्रू भी आप ऊपर आ सकते हैं मंदिर में। और एक रास्ता और है ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, और इससे भी आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और ये मंदिर है भूतनाथ महादेव मंदिर। तो ये एंट्री है, और आप लोगों की होस्ट ईरा आप लोगों का इंतजार करते हुए। ये जो मंदिर है पूरा 13 मंजिल का मंदिर है, तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ऐसे एक एक करके सारे फ्लोर्स कवर करेंगे यहाँ से, और आप यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से व्यू देख सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट सारा ऋषिकेश दिख रहा है। तो जब हम 13वीं मंजिल पे पहुँचेंगे तो आप देख सकते हो क्या ही नज़ारा होगा वहाँ का। अब हम लोग आ चुके हैं 9th फ्लोर पे, और 9th फ्लोर से आप पीछे का व्यू देख सकते हैं ऋषिकेश का। ऑलमोस्ट जो जंगल एरिया है वो आपको दिखेगा, साथ में यहाँ से आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ओवरऑल 13 फ्लोर्स का ही टेंपल है, तो 9th तक हम आ चुके हैं। 9th में मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे ऐसे ये शिवलिंग जो शिव जी की बनी हुई है, साथ में स्फटिक शिवलिंग भी है। मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूंगी। तो ये इसकी मान्यता ये है कि ये बहुत पुराना ही बर्फ का जमा हुआ स्फटिक है, तो इसलिए ये 9th फ्लोर पे है, और आप इसके दर्शन कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि कई लाखों वर्ष पुराना जमा हुआ बर्फ स्फटिक पत्थर के रूप में प्राप्त होता है, तो इसको मैंने पे आपको एक क्लोज व्यू के साथ दिखाना चाहा है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं।
ये पूरा 9th फ्लोर का व्यू है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। ये जो शिवलिंग है दर्शन श्री सेतु बंध रामेश्वर मंदिर का है, जो यहाँ पे स्थापित है। ये पूरा 9th फ्लोर से एक क्लोज व्यू। ये देखिए आप इतनी ऊंचाई पे देवभूमि में, इतनी ऊंचाई पे देव ही हो सकते हैं। और ये ऋषिकेश का पूरा फॉरेस्ट एरिया है जो 9th फ्लोर से, और ये मंदिर जो है पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। तो अब हम ऊपर जाते हैं, बाकी का व्यू फिर हम आपको 13th फ्लोर से दिखाते हैं। सारे संतों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने हमारी आस्था को बना के रखा और जिन्होंने ये स्थान को बनाया है। और दूसरा है कि आर्मी के जवानों को भी अभिनंदन करता हूँ जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। पिता अपने पुत्र के लिए ही संपत्ति छोड़ के जाता, पर जो साधु संतों ने हमारे लिए किया है ये हमारी सभी की आस्था का केंद्र है जो हमारे लिए बनाया है। और दूसरी बात ये है कि भूतनाथ नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ पे जब कैलाश में शिव विवाह की तैयारी चल रही थी, शिव विवाह जब हो रहा था उनके साथ देवतागण थे, अप्सराएं थी और जो प्रिय थे उनके भूतगण थे, भूतनाथ उनके नाम से जाना जाता है। तो उनके जो गण थे वो भूतगण थे उनके साथ। और उन्होंने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भोलेनाथ ने उनको यहीं पे रख दिया था, भूतों को यहीं पे रखा और स्वयं अपना यहाँ से हरिद्वार कनकल शादी के लिए गए थे, इसलिए यहाँ पे भूतनाथ नाम से जाना जाता है। जय भूतनाथ। पिक्चर तो अभी जैसा कि पंडित जी ने हमें इस मंदिर की जो कहानी है मींस मान्यता है वो बताया, और पीछे आप देख सकते हो कि भोले बाबा जो है भूतनाथ होकर बैर पर सवार होकर अपने विवाह करने जा रहे हैं, क्योंकि वही वो बराती हैं। और साथ में आप शिव जी के दर्शन कर सकते हो। और ये 13th फ्लोर से जो है आप व्यू देख सकते हो। मैंने बोला था जब हम 13th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे तो आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। यहाँ से गंगा मैया आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही होंगी, साथ में ये घाट भी। और ये पूरा ऋषिकेश का जंगल एरिया है, आप इसको देख सकते हो कि किस घने जंगल में ये भूतनाथ का टेम्पल जो है स्थापित है। और जैसा कि अभी बाबा जी ने तो यहाँ का बताया कि इसकी मान्यता क्या है, शिव जी अपने बारातियों को लेके आए थे और जो उनकी भूतों की टोली थी उनको यहीं पे रुकवा दिया गया था, और फिर आगे हरिद्वार वो अपनी बारात लेके गए थे। तो जो कि दाम दर्शन होने के नाम पे छा जाता है। आजाओ यहाँ दर्शन कर लो। इधर इधर